तो भाई एक्सल यहाँ पे फिटिंग होने लगा और इसमें डबल बैरिंग रहता है, एक बैरिंग बैठ गया है, दूसरा बैरिंग भी है ये दूसरा बैरिंग बैठा रहे हैं। साथ में इसका भी सिलेंडर भी ख़राब हो गया जो कि ब्रेक का होता है, ब्रेक का पाइप भी टूटा हुआ है, ये भी नया लगेगा। और ब्रेक आयल तो मान लीजिए 2-3 डब्बा लगेगा, अभी देखते हैं कितना समय लगता है यहाँ पे। और ऐसे मिस्त्री साहब इसको हमारे फिट कर रहे हैं ठोक ठोक के, और दोनों बैरिंग बैठ चुका है। और इस एक्सल को हम रखेंगे अपने, मतलब जैसे सब स्टेपनी रखते हैं वैसे इसको एक्स्ट्रा रख लेंगे, क्योंकि बाएं साइड से तोड़ रहा है और इस पर एरल डाई निकाले हैं जो कि अभी इसको लगा के चपकाएंगे, तो मिला रहे हैं। और अब ये लगा, और अभी ये लगा, और अब क्या लगेगा दिखा रहे हैं। अब ये बैरिंग लगेगा, ये सब मतलब जो बैरिंग लगा है उसको रोकने के लिए लगा है ना भैया। अब इसको ठोकेंगे और इसको टाइट करने के लिए दो मिस्त्रियों का ज़रूरत पड़ गया है, यहाँ पे अशोक भाई भी आ गए हैं। और इसके ऊपर फिर से एरल डाई को लगाया जा रहा है और ये लग गया है, अभी सूखेगा। और एक महिंद्रा बोलेरो है जिसका सापट पूरा सेट हो रहा है, यहाँ पे दोनों लोग लोड गए हैं और लोड कर इसको सेट कर रहे हैं। और ये सुड्डू पायलट है, इसका भाड़ा कट गया है। कितना भाड़ा कटा है भाई तुम्हारा? 10,000 कटा दिया। कौन कटा है, व्यापारी का नाम? व्यापारी। अच्छा, कौन लगा में लगाए? 8,000 रुपये वर्तमान में लगाए, बैरिंग वरिंग लगवाए हैं। अच्छा, गाड़ी का इसके काफ़ी नुकसान हो गया था। इसके स्टेयरिंग का पूरा सिस्टम ही आउट है। अंकल जी कुछ नाराज बैठे हैं यहाँ पे, भैया पप्पू चोटी वाले आ गए यहाँ पे। अरे सुड्डू की गाड़ी है पूरी, ये हमेशा फ़ोन पे बात करता रहता है। और यहाँ पे मेरी गाड़ी है, देखिए हमको तो लगता है 6-7 बज जाएगा। और इसको ठोक के निकाल रहे हैं, कलर है बैरिंग का, पुराना वाला निकाल कर इसमें नया वाला लगा रहे हैं। भैया देखिए कैसे लगाते हैं। और दूसरा रबड़ भी इसमें लगा रहे हैं। और ये सेट हो गया पूरे तरह। मोबिन भाई टायर लेकर आ गए, छल्ले में थोड़ा प्रॉब्लम था और यहाँ पे क्रेक था तो इसको जुड़ाई हुआ है। पैसा नहीं दिए हैं मोबिन भाई? नहीं, 80 रुपये मांगा तू। और यहाँ पे एक्सल को लगा दिए हैं और भी सिलेंडर को इसमें सेट करने जा रहे हैं। हेलो, साढ़े 300 रुपया अभी हमको पैसा नहीं दिया, बोले कि उनको बोल दो पैसा मिल गया। अरे यहाँ पे पूरी तरह फिट हो चुका है, बस नट कसना बाकी है इसमें। अब यह नटे कसना है कि और कुछ? ऐसे मालिकों के पास 10 गाड़ी होती है। इसके पीछे में 6 नट रहता है और 6 नट को कसने पर ये पूरा सपोर्ट बन जाता है। थोड़ा हम भी हाथ से कस दें, जबर जल्दी हो जाएगा इनका। अब ब्रेक का पाइप लगाने लगे भैया यहाँ पे। इतना बेइज्जती कर बा? ए गुटखा खा ला भैया, 10 रुपए ले बचत जाने 10 पीस। सोने चांदी से भरा पंडित जी का साइकिल, जंतर मंतर।
दूसरे एक्सल को यहाँ पे उठा के रख दिया जा रहा है, कभी भी रास्ते में काम में आ जाएगा। और भैया ड्रम में मट्टी डालकर साफ कर रहे हैं, क्यों भैया? पूरा ऑयल सूख जाएगा, इसमें ऑयल लगा था। और एक गाड़ी बनवाने के लिए अंकल जी भी रुके हैं, अशोक भाई भी रुके हैं। मान लीजिए पप्पू चोटी का तो भाई काम है रुकना। और यहाँ पे ब्रेक ऑयल डाला जाता है इंजन में। यही L&T हमको अभी कंपनी द्वारा मिला है, तो भाई यहाँ पे गाड़ी का पूरा काम हो चुका है, बस चक्का कसना यहाँ पे बाकी है। एक ब्रेक का पाइप हम रख ले रहे हैं क्योंकि ये काम में आएगा, मान लीजिए कभी फिर हादसा हो तो। और मोबिन भाई यहाँ पे चक्का कसने में लग गए हैं, और यहाँ पे टायर भी कसा गया है, सब नट लग गया है। इधर का कलर दूसरा हो गया और इधर का कलर दूसरा, क्योंकि उधर नया लगा है। तो भाइयों थोड़ा वीडियो को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़ भाई।